मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे। कांग्रेस ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें इंदौर की 4 नंबर सीट पर राजा मंगवानी को प्रत्याशी बनाया गया। इनके खिलाफ इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रत्याशी का पुतला भी फूंक डाला और जमकर नारेबाजी की। कुछ देर के लिए सड़क जाम रही। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निष्क्रिय व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जिसे बदला जाना चाहिए। बीजेपी को सपोर्ट किया है, मेयर में बीजेपी को सपोर्ट किया है, और आज तीन महीने पहले वो आ गए और उनको टिकट मिल गई है। तो हमारा कांग्रेसियों से निवेदन है, हमारी बात आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारी बात दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के पास पहुँचाइए कि राजा मनवानी अच्छा कैंडिडेट नहीं है। एज ए इंसान हमें नहीं पता, लेकिन राजनेता के रूप में बिल्कुल निष्क्रिय है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई उन्हें जानता नहीं है। कांग्रेस में पहली लिस्ट जारी होने के बाद विरोध पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि 4000 आवेदन में प्रत्याशी घोषित करना आसान नहीं था। 144 सीटों की घोषणा करी है, इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं, और ये जो नाम हमने घोषित करे हैं, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करे हैं। कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूं। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूं। ये बात तो आप लोग समझते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पहली सूची निकलने के बाद ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, जिसका अंदाजा कांग्रेस को पहले से था। कांग्रेस को इस बात का एहसास था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो विधिवत सूचियां जारी की, हमने कोई घोषणा नहीं की थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व थका हुआ नेतृत्व है, जिसके पीछे कोई आधार नहीं है। अगर उनको विकास पर चर्चा करनी हो, हम विकास के पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम विचार की वो बात करें तो विचार पर करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तियों पर करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व तो जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, ये अभूतपूर्व विजय की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है कि कांग्रेस अपने भीतर ही लड़ाई लड़ रही, बीजेपी से क्या लड़ेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सभी को टिकट दे पाना मुमकिन नहीं। इंदौर से जय व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।